ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8। और यहाँ जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2015 से 2021 तक का, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। फॉरगेट द मिस्टेक रिमेंबर द लेसन, यानी कि जो भी आपसे मिस्टेक हुआ है उसे भूल जाइए, लेकिन उस मिस्टेक से जो भी आपको सबक मिला, जो भी आप सीखे, उसको जो है याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इच, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको टेबल मेमोराइज होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको मेमोराइज रखना होगा रूल, ठीक है ना। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। प्लस यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा, और यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। नाउ साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इच। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको वैल्यू पुटिंग करना होगा, वैल्यू पुटिंग करने के बाद सॉल्व करना होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। नाउ 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा। माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। नाउ आप एलसीएम लीजिए तो 4 मिला, यहाँ बच जाएगा 1 - 3, जो कि क्या होगा, -2/4। 1/2 यानी -1/2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 9 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा है यानी कि 60 डिग्री सेम है, तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या है यहाँ पे, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ना एक फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे जो थीटा है उसका वैल्यू 60 डिग्री गिवेन है, तो 9 इंटू इस सारा का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 × 1 कितना होगा, 9। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। तो पहला ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जब भी ऑलवेज आए तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है, बिकॉज यदि 10a का वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज लेस देन 1 होगा तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10a का फॉर्मूला होगा p/b। और यदि मैं एक यहाँ राइट एंगल ट्रिंगल बनाया, और सपोज इसको मैं a लेट करता हूँ, ये b है और ये क्या है, c है, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर p है, ये b है और ये क्या है, h होता है। सपोज यदि इस ट्रिंगल में ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है, ये तो 90 होता है। तो ये P जो है B के इक्वल हो जाएगा, P क्या होगा, B के इक्वल हो जाएगा। नाउ जब P B के इक्वल है तो 10A इक्वल टू p/b जो यहाँ वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं B को रिप्लेसमेंट करता हूँ P से, तो कैंसिल होकर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑलवेज ये लेस देन नहीं होता है, कभी कभी ये 1 भी हो जाता है, 1 से ग्रेटर भी होता है। इसका मतलब आपको इतना एग्जाम में चेक नहीं करना है, यदि ऑलवेज आया तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या है वो रॉन्ग है। नाउ सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ कोट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऑलवेज आया दैट मीन्स ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है दोनों का दोनों। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 5/3 है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 5/3 गिवेन है, दैट मीन्स क्या, p का वैल्यू 5 होगा और h का वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, बिकॉज किसी भी ट्रिंगल में h हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होता है। यहाँ पे h क्या है, लार्जेस्ट नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। नाउ sec थीटा इक्वल टू 12/5 है, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है, ठीक है। तो h/b होता है तो h तो बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 12/5 गिवेन है, h तो बड़ा है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इन ट्रिंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोट B इक्वल टू 3/4 देन 10A ईच। यदि A प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ से आप A का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A का वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो प्लस B जो है
क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। नाउ टेन ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, पुट कर दीजिए इन द प्लेस ऑफ एंगल ए, आप पुट कर दीजिए यहाँ 90 डिग्री माइनस बी, और यहाँ पे वैल्यू इसका पूछा जा रहा है। नाउ टेन 90 डिग्री माइनस समथिंग होने से टेन क्या होगा, कोट में चेंज हो जाएगा, तो कोट एंगल बी हो जाएगा, और कोट एंगल बी का यहाँ वैल्यू ऑलरेडी कितना गिवेन है, 3/4, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, देन वैल्यू ऑफ थीटा पूछा जा रहा है, यहाँ थीटा क्या है पूछा जा रहा है। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है, तो 2 sin थीटा इक्वल टू √3 है, यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 2 × में डिवाइड जाएगा, तो √3/2। नाउ यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि √3/2 जो है साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एक्स इंटू 10 45 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। नाउ ये एक्स है, ये 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू में कोसेक 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, ओनली 2/√3 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मिला x इंटू 1 तो x हो जाएगा, 1/√3 है तो 1/√3 इक्वल टू यहाँ बचा क्या, 1/√3, 1/√3 भी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। नाउ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में आप एक रिलेशन आपको मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ना यहाँ से यदि आपको इस तरह का बनाना है तो प्लस 1 इधर लेके आइए, क्या हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, प्लस का 10 स्क्वायर थीटा होगा, तो यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू तो पता चल गया क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा होगा। नाउ cosec का आपको रिलेशन देखना है, तो cosec का क्या होता है फॉर्मूला, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जाता है, 1 - cosec² θ, तो अच्छा बात है, यहाँ पे ये प्लस है, उधर गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा क्या, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cosec² θ। नाउ देखिए इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या मिला है, 10 स्क्वायर थीटा, और 1 - cosec² θ का वैल्यू क्या मिला है, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों जब भी मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, तो अलवेज क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ माइनस 1 हुआ, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ एक्स इक्वल टू 2 sin² θ एंड वाई इक्वल टू 2 cos² θ + 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, तो एक्स प्लस वाई पूछा जा रहा है, तो दोनों को प्लस कर देना है बस, तो एक्स का वैल्यू क्या था, 2 sin² θ, और वाई का वैल्यू क्या था, 2 cos² θ + 1। नाउ यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है आपको, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, इसका वैल्यू क्या होता है, अलवेज 1 प्लस यहाँ 1 है तो 1, 2 × 2 और प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ, इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, cos²θ माइनस sin²θ इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नाउ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos²θ को लिख सकते हैं cos²θ का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं sin²θ का होल स्क्वायर। नाउ cos²θ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए sin²θ प्लस cos²θ इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यदि ये sin²θ प्लस में, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे cos²θ इक्वल टू 1 - sin²θ। नाउ cos²θ के जगह में आप 1 - sin²θ जो है पुट कर दीजिए, तो 1 - sin²θ पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे sin²θ है, तो यहाँ पे एक काम करिए sin²θ ही रख दीजिए। नाउ ये क्या होगा, ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 ×
साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर साइन टू डी पावर फोर थीटा है तो फोर थीटा। ना ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये भी साइन स्क्वायर साइन टू डी पावर फोर थीटा है, ये भी क्या है साइन टू डी पावर फोर थीटा है। तो बचेगा क्या वन का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा वन आंसर मिलेगा यहाँ पे माइनस टू इंटू वन क्या टू, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो ये जो है शायद माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ साइन ट्वाइस ए इक्वल टू कोस ए माइनस 18 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो यहाँ साइन ट्वाइस ए इक्वल टू क्या है कोस ए माइनस 18 डिग्री है, तो देखते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है। तो साइन ट्वाइस ए इक्वल टू क्या है कोस इंटू में ए माइनस 18 डिग्री। नाउ यदि हम लोग को यहाँ पे दोनों तरफ जो है कोस कोस हो जाए तो इसका आंसर जो है बहुत इजी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोस लिख सकते हैं, लेकिन इस जो एंगल यहाँ गिवेन है इसको 90 डिग्री से माइनस करना होगा। यदि एंगल को 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कोस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पे क्या है कोस ए माइनस 18 डिग्री है तो 18 डिग्री कोस से कोस क्या हुआ कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ए इक्वल टू ए माइनस का 18 डिग्री। नाउ यहाँ से ट्वाइस ए उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस कर दीजिए, तो इधर हुआ 90 डिग्री और ये माइनस 18 है इधर आया तो प्लस का 18 डिग्री, और इधर में क्या हुआ 3a हो गया, मतलब 2a और 1a मिलके कितना हुआ 3a हुआ। तो 19 प्लस 18 डिग्री कितना होगा 108 इक्वल टू 3a होगा, और 3 से जब इसको कट करेंगे तो कितना होना चाहिए 36 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है करेक्ट हुआ। नाउ मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये जो है यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, यहाँ से अगेन 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो 9 1 जा कितना हुआ 9, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हुआ करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन नंबर ये शायद 13 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज। तो देखिए ये तो जो टर्म है ना कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बचा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा, और ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में। तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा 0 करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।